रात को उसमें दौरा आ गया मेरी दिल का, फिर उसको मतलब वहाँ से ले गए और मेरे देवर को भेज दिया। अच्छा, अपने आपके पति की जगह देवर को भेज दिया? देवर को भेज दिया, उसने मेरे आपके रूम में उसने मेरे साथ रेप किया। फिर मैंने शोर शराबा किया, जब वो मतलब निकाला मास पड़ोस में आए, फिर मैंने उनसे पूछा कि आप इसको मतलब आपने ऐसे मेरे साथ क्यों किया। मैं रोई बहुत ज़्यादा, मतलब उनके पैरों में गिर कर, उन्होंने कुछ नहीं मानी, मेरी नहीं मानी। फिर उसको गोली दे, सोनू को गोली दे रहा था, जब मैंने पूछा कि इसमें क्या हो गया इसको, जब उन्होंने कहा कि इसमें मतलब थोड़ा दौरे का कोई शिकायत है, इसलिए उसने फिर गोली दे रहे हैं। तो आपने ये बात घर जाके बताई अपने परिजनों को? अगले दिन नहीं, फिर 11, फिर उसने 13-14 तारीख को जब आप घर लौटे, जब फिर सोनू ने मेरे साथ थे संबंध बनाए मोनू के बाद। सोनू कौन है? सोनू मेरे पति। आपके पति है? और देवर क्या नाम है? मोनू अभिषेक। मोनू अभिषेक है। अच्छा, फिर अभी जैसे परिजनों को बताया आपने, तो परिजनों ने शिकायत दी पुलिस को? परिजन फिर मतलब ऐसे नहीं, इनका कहना मतलब कि उसमें तो मेरी ज्ञात है ना, तो मम्मी जो मेरी जो सासु है ना, वो ऐसे बोली कि मोनू सोनू में कोई फर्क नहीं है, दोनों दे रही है। स्वागत वाले दिन बिटिया अंदर गई कमरे में, उसमें पता नहीं क्या आ गया, उसके जगह उसकी सासू बोली कि आप जाओ, उसको देवर भेज दिया कमरे में, उसने रेप किया हमारी बेटी के साथ। उसने आके हमारी बताई, हम जब इसकी कार्रवाई की 376 की लगा के और महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। तो ससुराल वालों से आपने कहा तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मोनू सोनू में कोई फर्क ही नहीं, दोनों भाई एक ही है सुजाता। अच्छा, दोनों एक ही है? हाँ, सुजाता बोली ऐसा मैं नहीं करना चाहती। ठीक है, उन्होंने खूब करे उसको दबाव दे दिया और रेप कर दिया छोटे वाले देवर ने उसे। इतना कुछ भी हुआ, फिर फैसला हो चुका है अजय पटोदा के उधर। ठीक है, वो दोनों फैसले के ऊपर मुकर गए। हमारी हमने जो टूम पहन के आई थी बिटिया, हमने उनकी वापस सारी टूम दे दी, ताकि ये लो अपनी टूम शायद दे दी। आप किस प्रकार का न्याय चाहते हैं? हम बिल्कुल न्याय चाहते हैं, बिल्कुल बेटी को इंसाफ मिले, ऐसा सोनू मोनू दोबारा पैदा ना हो। पीड़ित अंधी है कि मेरी शादी 10 फरवरी 2019 को हुई थी। क्या शिकायत में क्या लिखा है? ये घर मेरे ससुराल वाले मुझे परेशान करते, मेरे देवर ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। उसके पति के बता रहे के दौरे पड़ते हैं? नहीं, उसमें लिखा हुआ है, ये तो डॉक्टरी रिपोर्ट बताएगी, शिकायत करते ने बताया कि मेरे पति मेरे घी दौरा पड़ता है, धोखा से हमारी शादी कर। अच्छा, धोखे से शादी कर दी। वो कह रहे स्वागरात के दिन पति की जगह देवर को भेज दिया, पीड़िता का आरोप है ये? ये तो कंप्लेंट लिखित में दे रखी है पीड़िता ने। अच्छा, अब क्या इस पर क्या संज्ञान लिया आपने? आईसी वुमन सेल कार्रवाई कर रही है, दोनों पक्षों को बुलाया हुआ है, जैसे